अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर टू की। अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल नोटेशन। पहले क्वेश्चन नंबर वन में हमने किया है कि हमें फैक्टोरियल नोटेशन दी गई होती थी, हम उसको एवेल्यूएट करके सिंपल नंबर फाइंड करते हैं। अब हमें नंबर दिया गया होगा, हमने वापस आना है यानी बैक जाना फैक्टोरियल की तरफ, तो फैक्टोरियल लेके आना है। फैक्टोरियल एक्चुअल में नहीं होगा क्वेश्चन में, हम फैक्टोरियल को लेके आएंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है इसका, अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें इसका क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। आपने ये आपको सिंपल नंबर दिए हुए हैं, आपने इसमें फैक्टोरियल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप लोग फैक्टोरियल, सिंपल हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये तीनों ज़रब हो रहे हैं। अब आपको पता है कि n फैक्टोरियल का मतलब है n से लेकर n माइनस 1 अप टू सॉन 3 टू 1, 1 तक आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। तो 4 के बाद 3 2 और 1 चाहिए, 4 के बाद आपको क्या चाहिए, 3 2 और 1। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे नंबर्स को 6 5 4 आपको 3 चाहिए 2 चाहिए और 1 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे डिवाइड। ये डॉट सिंपल मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट। 4 आपके पास था, 3 टू 1 नहीं है, तो आप 3 टू 1 से मल्टीप्लाई भी करोगे, 3 टू 1 से डिवाइड भी करोगे। अब ऊपर आपको पता है 6 से लेकर 1 तक आपके पास नंबर हैं, तो आप ऊपर वाले को लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास है 3 से लेकर 1 तक नंबर, तो इसे लिखा जा सकता है 3 का फैक्टोरियल। तो ये आप किस में ले आए इसको, फैक्टोरियल की नोटेशन में। अब इसके एक दो और पार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 देखें इसका, फिफ्थ पार्ट में इसके आपने क्या करना है, आपको दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आपने इसको लिखना है फैक्टोरियल नोटेशन में। अब 9 के बाद 1 तक नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसको सॉल्यूशन, आप क्या करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, इनसे आपने मल्टीप्लाई भी किया और इनसे आपने नीचे डिवाइड भी करना है। 2 और 1 तो पहले ही है, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से लेकर 1 तक, तो 8 से लेकर 1 तक आपने नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब 10 से लेकर 1 तक नंबर है, तो 10 का फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल, 8 से लेकर 1 तक नंबर है तो 8 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास क्या आ गई फैक्टोरियल की नोटेशन। अब थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, वो कह रहा है इसको आपने फैक्टोरियल के नोटेशन में लिखना है। n भी है, n से छोटा नंबर, n माइनस 1 भी है, n माइनस 2 भी है, n माइनस 2 के बाद होना चाहिए था n माइनस 3 और ये कहानी जानी चाहिए थी 1 तक, तो वो नहीं है आपके पास। तो आप क्या करोगे, सिंपल वे जैसे आपने ऊपर किया है, n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 से लेकर आगे वाले सारे नंबरों से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो अगर आपने इनके साथ मल्टीप्लाई किए तो आपको इनके साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो नीचे आप इसको डिवाइड भी कर दोगे। मैंने क्या किया है, मैंने n माइनस 3 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई किया और इसे नीचे डिवाइड भी कर दिया। ऊपर हम लिख सकते हैं अब n का फैक्टोरियल, अब ऊपर n से लेकर 1 तक नंबर हैं और नीचे n माइनस 3 से लेकर 1 तक हैं, तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये इसकी क्या आ गई, फैक्टोरियल नोटेशन। नेक्स्ट हम करते हैं इसके कुछ एक दो और पार्ट, सिंपल है सारे के सारे, ये ज़्यादा क्वेश्चन नंबर 1 में से शॉर्ट आता है, MCQ ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको अक्सर शॉर्ट आ जाता होता है। जैसे अब हम इसका लास्ट पार्ट अगर हम करें, 10th पार्ट अगर हम इसका देखें, 10th पार्ट में वो कह रहा है n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन, कहाँ तक आपको दिए n माइनस r प्लस 1। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है, ये देख लेते हैं इसको आपने कैसे करना। तो आप सिंपल इसमें क्या करोगे, n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2, क्वेश्चन एक दफ़ा लिख लेते हैं पूरे का पूरा। अब आपको ये नंबर चाहिए, आप इसको क्या करोगे सिंपल वे में, n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1, इससे छोटा होगा n माइनस r, एक निकालेंगे ना आप इसमें से, 1 माइनस करेंगे इसमें से तो वो आएगा n माइनस r, यहाँ से लेकर 3 2 1,
इससे मल्टीप्लाई भी किया और नीचे इसी के साथ हमने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो अब आपके पास बनेगा, ऊपर आएगा आपके पास n का फैक्टोरियल और नीचे n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो होपफुली आपको 7.1 क्लियर हो गई है। फर्दर मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें से पिक किए हैं जिनमें आपको अक्सर प्रॉब्लम होती है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।